बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने उर्दू लेक्चरर का पेपर शुरू किया था जिसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त इस पेपर का पार्ट सेकंड अपलोड कर लेते हैं। पार्ट वन में एक दोस्त ने कमेंट्स किया है कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम भूल गए हैं, उसको स्किप कर गए हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिस वन, जब लाजिम व मलजूम में वास्ते कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे किनाया करीब। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, किनाया करीब कहा जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इनमें से कौन सा लफ्ज मौजू है, इसमें मौजू लफ्ज अहलियान शहर, जिस तरह हम कहते हैं अहलियान मोहल्ला, अहले शहर और अहलियान, तो ये जमा होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इनमें से कौन सा जुमला ठीक है, इनमें से कौन सा जुमला ठीक है। आवाम गैज व गजब में बाहर निकल आए, ऑप्शन बी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा पेकरा दुरुस्त है, हमने उनसे बिलमुशापा बात की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखे, 25 नंबर क्वेश्चन, रोजमर्रा के एतबार से कौन सा पेकरा दुरुस्त है, तो ये मैंने उससे कहा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26, रात भर मीटी एक बच्चा बाही, कुछ इस तरह का, ये कि इसका कहते हैं इस ज़र्बुल मिसल का मतलब क्या है, इसका मतलब तकलीफ ज्यादा फायदा कम, ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कागज की नाव सदा नहीं बचती, कागज की नाव सदा नहीं बचती, कहते कि इस ज़र्बुल मिसल का मतलब क्या है, जूट हमेशा नहीं चलता, जूट हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन को देखे, सनत तजाद किया है, सनत तजाद क्या है, आइए जिदेन अल्पास, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन देखे, ताला किसे कहते हैं, तो इससे मुराद अपनी बेजा तारीफ को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन, मवातुन नजीर क्या है, मरातुन नजीर क्या है, सानते बयान है ये, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन, मतला में शायर किस बात की पाबंदी करता है, मतला में शायर काफिया की पाबंदी करता है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखे, 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं कि उस मुमताज खातून का नाम बताइए जो बयक वक अफसाना निगार भी है और ये पसाना, कुछ ये लफ्ज लिखा है कि बयक वक वो कौन है, वो मुमताज शीरी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन, अफसाना की सनत नसर के दौर में मुतारिब हुआ, किस सन पे नसर के दौर में, अफसाना किस सन पे नसर के दौर में, होता नावल के दौर में, ऑप्शन ए है। 34 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अलामती अफसाने के हवाले से कौन सा नाम सहर पहरिस्त है, तो इसमें कौन सा नाम सर पहरिस्त है, इंतजार हुसैन, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मजहबी वाकयात को उजागर करने वाला ड्रामा क्या कहलाता है, पैशन प्ले कहलाता है उससे, ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं,
احسن لکھنوی اور بیتاب دہلوی کس صنف ادب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کس سے رکھتے ہیں؟ ڈراما آپشن بی ہے. 37 نمبر کوشچن, امیر خسرو نے کس صنعت کا آغاز کیا تھا؟ اس نے ملما, آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. 38 نمبر کوشچن, اردو زبان کا پہلا مرکز کسے کہتے ہیں؟ دکن کو کہتے ہیں, آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 39 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستو, اردو شاعری کی تاریخ کے تیسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ تو غالب سے ہوتا ہے, غالب آپشن اے. 40 نمبر کوشچن, علم و عروض میں موجود یک رکنی بحروں کی تعداد 7 ہے, آپشن سی ہے. 41 نمبر کوشچن, تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تلمیح جو ہے تاریخی اشارہ, آپشن بی ہے. اور کوشچن نمبر 42 میں, جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں, معروف اور غیر معروف؟ اس کوشچن کو تھوڑا سا چیک کر لے خود. کوشچن نمبر 43 دیکھے, 43 فکر اقبال اور ابکار اقبال کس کی تصانیف ہیں؟ یہ کس کی تصانیف ہے؟ خلیفہ عبد الحکیم کی, آپشن سی ہے. 44 نمبر کوشچن, مولوی عبداللہ کے خاکوں کے مجموعے کا نام چند ہم عصر ہیں, آپشن اے. اور آخری کوشچن دیکھے, مرزا ادیب کے صنف ادب میں مشہور ہے, مرزا ادیب کس صنف ادب میں مشہور ہیں؟ تو وہ ڈرامہ میں مشہور ہیں, آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. تو اس کے ساتھ پیپر کمپلیٹ ہو گیا دوستوں. لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. تھینک یو فار واچنگ.